डॉक्टर साहब, मुझे शादी होकर 5 साल हुए, अभी तक बच्चे नहीं, क्या यह भगवान का अभिशाप है? भगवान का अभिशाप ऐसा कुछ भी नहीं, गॉड का कर्स। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन भगवान का अभिशाप कहीं भी नहीं रहेगा। कुछ लोगों को शादी होने पर भी उनको बच्चे पैदा नहीं होते, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं बनेगी, इसका अर्थ है भगवान का अभिशाप। नो, कभी भी ऐसा नहीं। बच्चे पैदा नहीं होने के लिए उधर पुरुषों में भी थोड़ा सा डिफेक्ट होगा, इधर भी महिलाओं में भी कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। प्रेग्नेंसी आने के लिए, औरत गर्भवती बनने के लिए क्या चाहिए? पुरुषों में वीर्यकण शुक्राणु होना है, वीर में वीर्यकण होना है। कुछ पुरुषों में वीर तो होगा, लेकिन उस वीर के द्रव में शुक्राणु नहीं होते। शुक्राणु नहीं होने से बहुत तो अंड से नहीं मिलेगा। जब शुक्राणु अंड से नहीं मिलेगा तो अंड कभी भी वो पिंड नहीं बनेगा। वैसे ही औरतों में भी कुछ औरतों में अंडे तो निकलेगी नहीं, अंडे तो निकलेगी नहीं, तैयार ही होगा और से रहेंगे। आप सब सुनते हैं पीसीओडी, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। इस बीमारी में औरत को औरत में अंडे नहीं निकलेगी। जब अंडे नहीं निकलेगी तो पुरुषों में शुक्राणु होने पर भी उसको गर्भ नहीं आएगा, क्योंकि अंडे से शुक्राणु मिलना है। अंडे नहीं हो तो शुक्राणु रहने पर भी कोई भी फायदा नहीं है। कुछ महिलाओं में अंडे और वीर्यकण दोनों मिलते हैं, वो किधर मिलते हैं? वो यूट्रस के बगल में फिलोपियन ट्यूब्स होते हैं, उसमें दोनों शुक्राणु एंड दोनों मिलकर ही होते हैं। लेकिन उधर से वह ट्रैवल करके यूट्रस में गर्भाशय में आना है। लेकिन कुछ कुछ महिलाओं में ये फिलोपियन ट्यूब्स होते हैं वो तो नैरो हो जाते हैं, संकोच हो जाते हैं, तब अंडे से शुक्राणु मिलने पर भी वो अंडे ट्रैवल नहीं कर सकता, वो तो यूट्रस में आ नहीं सकता, तब गर्भ नहीं आ जाएगा। इस प्रकार दोनों में इस पे डिफेक्ट होते हैं, ये डिफेक्ट वजह से गर्भ नहीं आएगा। इसलिए जो कोई भी दंपतियां उनको गर्भ नहीं आने पर शादी होने के बाद 1 साल होने पर भी पत्नी गर्भवती नहीं बनी तो जरूर डॉक्टर के पास दोनों जाना है, दोनों पूरा पूरा जांच कराना है। किस में डिफेक्ट है, पति में है या पत्नी में है या दोनों में भी, कभी भी दोनों भी होंगी, उस डिफेक्ट को हम करेक्ट करने से गर्भ आएगी। लेकिन गर्भ नहीं आने का भगवान का अभिशाप या गॉड का कर्स ये तो ठीक नहीं है। बच्चे पैदा नहीं हुए थे उधर कोई ना कोई डिफेक्ट होगा। आजकल कई शहरों में IVF सेंटर्स हैं, जिनको गर्भ नहीं आया IVF सेंटर में जाने से उधर ये न्यू टेक्निक से, जो मॉडर्न टेक्निक से द्वारा वो गर्भ आने के जैसे ये कोशिश करते हैं। कई लोगों में जिनको माहौल तौर पर गर्भ नहीं आया वो IVF के द्वारा गर्भ को गर्भधारण कर सकते हैं। और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ ऊपर के व्यूज हासिल किए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित सुख संसार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। प्लीज डाउनलोड समरम मल्टी चैनल ऐप एंड वॉच योर फेवरेट चैनल्स फ्रॉम योर मोबाइल। ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल्स।